22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करना चाहता है। इंदौर के धावक कार्तिक जोशी रामलला के दर्शन के लिए दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। वे 1008 किलोमीटर की दूरी 14 दिन में तय करेंगे। आज वे इंदौर से अयोध्या के लिए निकले। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी धावक कार्तिक का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। वे कई राज्यों से गुजरते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। कार्तिक देश विदेश की कई मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और कई रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति 4,21,00,000 राम नाम के पत्रक अयोध्या भेजेगी। समिति इन पत्रकों को लेकर आम लोगों के पास जा रही है। प्रत्येक पत्रक को भगवान श्री राम के नाम से भरा जाएगा। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिले भर में राम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत समिति ये काम कर रही है। फिल्म अभिनेत्री माहिरा शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, पूजन अर्चन किया। माहिरा शर्मा भस्म आरती में भी शामिल हुई। नंदी हॉल में बैठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए नजर आई। एक्ट्रेस माहिरा शर्मा उज्जैन पहुंची थी भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए। बिग बॉस 13 में आप इन्हें देख चुके हैं। इनके कई गाने यूट्यूब पर काफी फेमस भी हैं। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन ही पहुंचे। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघिन डीजे T27 और उसके दो शावक मस्ती कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बाघिन अपने दो शावकों के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में बाघिन डीजे और एक शावक आराम फरमाता हुआ नजर आया, वहीं दूसरा शावक मां को आराम से उठाते हुए दुलार कर रहा है। पर्यटकों ने इस खूबसूरत अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। अब आपको मिलवाते हैं करोड़पति किसान से। इनका नाम है विट्ठल पाटिल। पाटिल ऐसी कौन सी खेती करते हैं जिससे उनको होता है बंपर फायदा, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर के किसान ने मिसाल पेश की है। किसान ने नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। खेती भी ऐसे कि अब वो किसान करोड़पति बन गया है। ये किसान है दापोरा गांव के विट्ठल पाटिल, जो शिक्षक की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत ने उनको शिक्षक से किसान बना दिया। सन 74 में मैंने टीचर ट्रेनिंग किया, गवर्नमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद में 77 में मैंने माध्यमिक शाला धमनगांव में ज्वाइन किया और साथ में हम शाम में फिर खेती का ही काम संभालते थे। तो खेती का वैसे मैंने 86 के बाद में सर्विस छोड़ दी। सतत मतलब खेती से जुड़ा हूँ। और खेती में कैसा है, मैं नवाचार के हिसाब से हर वर्ष नए नए प्रयोग करके अधिक उत्पादन कैसे लेना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे लेना, उसमें लागत कम कैसे करना, ये मैं प्रयास करते रहता हूँ। विट्ठल पाटिल केले की खेती करते हैं। केले के उत्पादन से वो सालाना करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। बताया जा रहा है कि केले का निर्यात ईरान, इराक और दुबई तक होता है। यही नहीं, विट्ठल पाटिल गाँव के 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मुझे पहले 2011 में जैन इरिगेशन सिस्टम से हाईटेक बनाना का पुरस्कार मिला 51,000 रुपये का। उसके बाद में माननीय मोदी जी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2013 में, उस समय उनके हाथों से हमें वाइब्रांट गुजरात महात्मा मंदिर अहमदाबाद के पास में है वहाँ पे उनके हस्ते श्रेष्ठ किसान पुरस्कार कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। केले के साथ विट्ठल पाटिल कपास, गेहूं, मक्का और गन्ने की भी फसल करते हैं। उनको श्रेष्ठ कृषक का अवार्ड भी मिल चुका है। अब खेती के गुर सीखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का दल भी यहां खेती की तकनीक जानने के लिए आ चुका है। कुल मिलाकर एक नौकरी छोड़कर विट्ठल पाटिल ने करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया है और कई लोगों को रोजगार भी दिया है।
बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18।